गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हम चैप्टर कर रहे थे स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट, तो आज उससे रिलेटेड जैसे हम स्क्वेयर शॉर्ट मेथड से स्क्वेयर कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वन का स्क्वेयर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। वन का स्क्वेयर वन होता है, टू का स्क्वेयर फोर होता है, थ्री का स्क्वेयर कितना आएगा, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन आएगा, फोर को फोर से करेंगे तो सिक्सटीन आएगा, फोर का स्क्वेयर आ जाएगा, फाइव का स्क्वेयर करेंगे तो कितना आएगा ट्वेंटी फाइव, सिक्स का स्क्वेयर करेंगे तो 36 आएगा, सेवन का स्क्वेयर करेंगे तो 49 आएगा, एट का स्क्वेयर करेंगे तो आएगा 64। इसके बाद हम नाइन का स्क्वेयर करेंगे तो 81 आएगा, टेन का स्क्वेयर करेंगे तो 100 आएगा, एलेवन का स्क्वेयर करेंगे 121 आएगा, ट्वेल्व का स्क्वेयर करेंगे तो 144 आएगा, थर्टीन का स्क्वेयर करेंगे तो 169 आएगा, फोर्टीन का स्क्वेयर करेंगे तो 196 आएगा, 15 का स्क्वेयर करेंगे 225 आएगा, 16 का स्क्वेयर करेंगे तो 256 आएगा, 17 का स्क्वेयर करेंगे 289 आएगा, 18 का स्क्वेयर करेंगे तो 324 आएगा, 19 का स्क्वेयर करेंगे 361 आएगा, 20 का स्क्वेयर करेंगे तो 400 आएगा, 21 का स्क्वेयर करेंगे 441 आएगा, 22 का स्क्वेयर करेंगे तो 484 आएगा, 23 का स्क्वेयर करेंगे तो 529 आएगा, 24 का स्क्वेयर करेंगे तो 576 आएगा, 25 का स्क्वेयर करेंगे तो 625 आएगा। ये 25 तक तो आप ध्यान रख लेना, मैं 26 का भी लिख देता हूँ। 26 का स्क्वेयर करेंगे तो 676 आएगा, 27 का स्क्वेयर करेंगे तो 729 आएगा, 28 का स्क्वेयर करेंगे तो 784 आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक दो और लिख दूँ बस। 29 का स्क्वेयर आएगा वो आएगा 841। ठीक है, और 30 का स्क्वेयर आएगा 900। ठीक है, 30 तक स्क्वेयर मैंने लिखे हैं तो आप 25 तक स्क्वेयर याद कर लियो। ये स्क्वेयर याद कर लियो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, काफ़ी काम आने वाली चीज़ें हैं। अगर 25 के बाद आप स्क्वेयर निकालना हो तो फिर कैसे निकालोगे, तो मैं आपको ऐसे नंबर बताऊंगा जिनका स्क्वेयर आप इजी मेथड से निकाल सकते हैं। अब नंबर ट्रिक थोड़ी सी है, वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है अलग अलग नंबर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 26 से लेके 75 तक के स्क्वेयर निकालोगे, 26 से लेके 75 तक के स्क्वेयर निकालोगे तो इनके बीच में बस इनके लिए एक ही ट्रिक है। मान लीजिए कोई नंबर है 5x, कोई भी नंबर 5x कम ज़्यादा हो सकता है, या x को कन्फ्यूज़न में मत लो, छोड़ दो इसको। मैं एक स्क्वेयर निकालूँ 23 का स्क्वेयर निकालूँ, तो ट्रिक आप खुद ही बना लियो। मान लीजिए मैं 23 का स्क्वेयर निकाल रहा हूँ तो ये नंबर 26 और 75 के बीच में ही आता है, इसका निकालूंगा तो 25 है। ये नंबर ऐसा है जो हमने बेस लेना होता है। ये क्या है, बेस 50 से जितना ज़्यादा है वो यहाँ पे हमने प्लस करना है। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 3 ज़्यादा है तो 3 हम 25 में प्लस कर देंगे, और यहाँ ओब्लिक लगा के उसके बाद 3 का जो स्क्वेयर आएगा 909 वो यहाँ पे लिख देंगे। अब 25 और 3 कितने हो गए 28, और यहाँ पे लास्ट में ये 09, 25 और 3 हो गए 28, और ये जो 09 है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 09। ठीक है, तो 2809 है वो 53 का स्क्वेयर है। अभी समझ नहीं आया तो एक और कर लेते हैं। जैसे हम स्क्वेयर निकालते हैं 57 का स्क्वेयर निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है ना, जो 25 बेस है उसके अंदर 7 प्लस कर देंगे, और यहाँ पे ओब्लिक लगा पे 7 का स्क्वेयर लिखेंगे 49। वो जो स्क्वेयर मैंने लिखे थे वहाँ पर वो इसी काम आएंगे कि जल्दी से हम यहाँ पे लिख दें। ठीक है, 49 आएगा तो 25 और 7 कितना हो गया 32, ये 49 इसके पीछे लिख देते हैं तो ये 3249 है ये 57 का स्क्वेयर। ऐसे आप स्क्वेयर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने निकालना है 62 का स्क्वेयर, 62 का आप स्क्वेयर निकालोगे तो आप क्या करोगे, 25 के अंदर प्लस कर दोगे 12, क्योंकि 50 से 12 ही ज़्यादा है, तो 12 हम प्लस कर देते हैं, और यहाँ 12 का स्क्वेयर आएगा 144, इधर यहाँ लिख देते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे है ना दो डिजिट मैंने लिखे थे,
नाइन नहीं लिखना, जीरो नाइन लिखना। जैसे कि यहाँ पे थ्री का स्क्वेयर मैंने लिखा था तो नाइन आ रहा, थ्री का स्क्वेयर मैंने जीरो नाइन लिखा था, दो डिजिट लिखने। अगर जीरो नाइन ही लिख सकते हैं आप नाइन को, आप नाइन जीरो आप लिखोगे तो वो नब्बे बन जाएगा, फिर नाइन्टी नहीं बनाना बल्कि नाइन ही रखना है। तो नाइन के आगे हम जीरो लगा सकते हैं। यहाँ पर दो ही डिजिट थे, वहाँ पर तीन डिजिट आए हैं, 144 तीन डिजिट हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और ये 44 तो लास्ट में लिखा ही जाएगा यहाँ पे 44, ये 1 भी इसके अंदर प्लस हो जाएगा यहाँ पे आके, मतलब 25 और 12, 37 और 1 ये तो 38, तो इसका स्क्वायर आएगा 62 का 3844। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपने ऐसा कोई स्क्वायर निकालना है 46 का स्क्वायर आपने निकालना है, 46 ये तो 50 से कम हो गया, 46 का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 में से माइनस करना है जितना 50 से कम है। ये 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो माइनस 4 कर देंगे, 55 में से 4 माइनस कर देंगे और यहाँ 4 का स्क्वायर लिख देंगे 16। 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21 बचेगा और यहाँ पे 16 लिख देंगे तो 2116 है, ये 46 का स्क्वायर आ जाएगा। वैसे मान लीजिए आपने 42 का स्क्वायर निकालना है, 42 का, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 25 में से उतना माइनस करेंगे जितना कि ये 50 से कम है, कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64 यहाँ लिख देंगे। 25 में से 8 माइनस करेंगे तो 17 बचेगा और यहाँ 64 है, तो 1764 वो 42 का स्क्वायर है। ओके, अब मान लीजिए आपने निकालना है 36 का स्क्वायर निकालना है, 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 में से कितना माइनस करेंगे जितना ये 50 से कम है, 50 से ये 14 कम है, तो यहाँ 14 माइनस कर देंगे और 14 का जो स्क्वायर आएगा 196 है, वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 196 ये 1 है ना, ये 1 ये तो हमने प्लस ही करना है, ये हमने प्लस ही करना है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस नहीं करना है, इसको प्लस ही करना है। तो 96 तो सेम लिखना है क्योंकि तीन डिजिट आ गए ना यहाँ पे, इसलिए तो सेम लिखना 96, ये 1 यहाँ पे आगे वाले में प्लस होगा। तो 25 में से पहले 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 11, और 11 में 1 प्लस करेंगे तो 12, तो यहाँ पे आएगा 1296। ठीक है, 1296 है, ये 36 का स्क्वायर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ट्राई कर सकते हैं 26 से लेके 75 के बीच में जितने भी स्क्वायर आपने निकालना चाहिए किसी भी नंबर का, तो आप स्क्वायर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और ट्राई आपको करने भी चाहिए, ये काम आने वाली चीज़ है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।